Welcome to North India Travel Vlog number 2. HoHo bus service in Amritsar, जो आपको घुमाती है अमृतसर के प्रमुख स्थानों में, जो एक दिन में पूरे अमृतसर शहर को एक्सप्लोर कर सकते हैं. ये इसका फेयर है 400 रुपये, जिसका टिकट आप रेलवे स्टेशन के पास बुक कर सकते हैं. ऑनलाइन भी इसका टिकट बुक कर सकते हैं. वो बस अमृतसर के 4 प्रमुख स्थानों पर ले जाती है. पहला है दुर्गियाना टेम्पल, दूसरा है किला गोविंदगढ़ फोर्ट, तीसरा है वार हीरो मेमोरियल, चौथा है वाघा बॉर्डर, वाघा अटारी बॉर्डर, जो आप अच्छी तरह से चारों स्थानों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. खालसा कॉलेज, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और इंडिया गेट के बारे में जानकारी देगी. बस वहाँ पर नहीं रुकती है, आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा बस के टिकट बुकिंग करने के समय. बस का पिकअप टाइम है सुबह के 9:30 बजे, जो आपको पिकअप करेगी महाराजा रणजीत सिंह स्क्वायर, जो नियर गोल्डन टेम्पल के पास है. अमृतसर सेटनिंग टूर बाय डबल डेकर बस. HoHo बस एक डबल डेकर बस है. इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी अमृतसर गोल्डन टेम्पल के पास होता है और एंड भी गोल्डन टेम्पल पर होता है. बस की सारी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दी है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं. और चलिए शुरू करते हैं हमारा जर्नी अमृतसर टूर बाय HoHo बस. प्लीज सब लोग अपनी राइट साइड देखिए, ये सबसे पुरानी बिल्डिंग है, हेरिटेज बिल्डिंग है, खालसा कॉलेज. अमृतसर की सबसे पुरानी बिल्डिंग है, हेरिटेज बिल्डिंग है, खालसा कॉलेज, बिल्ट बाय द 1892 की बनी हुई है. सबसे पुरानी बिल्डिंग है. जो इसका एरिया है वो 300 एकड़ में बनी हुई है. कॉलेज एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इसका जो एरिया है वो 300 एकड़ में बनी हुई है. ये सिखों और अंग्रेजों ने इस बिल्डिंग को मिलकर बनाया था. ये महाराजा रणजीत सिंह जी का पैलेस हुआ करता था पहले, अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है. तो यहाँ पर काफी मूवी भी शूट हुई है, वर्जरा मूवी, रब ने बना दी जोड़ी, ये मूवी यहीं पर शूट हुई है. खालसा कॉलेज, वर्जरा मूवी, रब ने बना दी जोड़ी. वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मैं इसी तरह का वीडियो अब लाता रहूँगा. अभी हम पहुंच चुके हैं HoHo बस का पहला स्टॉप दुर्गियाना टेम्पल. यहां से अभी हम दर्शन करेंगे दुर्गियाना टेम्पल को. वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे की बस की सारी जानकारी आपको मैं देता रहूंगा. दुर्गियाना टेम्पल को खास बनाती हैं इसके वास्तुकलाएं. दुर्गियाना टेम्पल एक हिंदू टेम्पल है. हिंदू टेम्पल होने के बावजूद ये मंदिर सिख धर्म के गोल्डन टेम्पल जैसा दिखता है, उसी तरह का बनावट है ये. ये है दुर्गियाना टेम्पल का मुख्य द्वार. यहाँ पे आते ही आपको दुर्गियाना टेम्पल नज़र आ जाएगा, जो दूर से अमृतसर गोल्डन टेम्पल जैसा दिख रहा है. वीडियो को पूरा देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है. मंदिर के निर्माण में संगमरमर का भरपूर इस्तेमाल हुआ है. मंदिर के गेट से मुख्य गेट तक पहुंचने के रास्ते एक सरोवर भी है, जिसे आप देख सकते हैं. दुर्गियाना टेम्पल, इसके नाम से ही पता चलता है ये माँ दुर्गा का टेम्पल है. यहाँ पे हर रोज़ हजारों लोग पूजा करने के लिए यहाँ पे आते हैं और अमृतसर घूमने आए हर एक व्यक्ति यहाँ आने का ज़रूर सोचता है. और कहते हैं कि यहाँ आने वाले हर किसी की मुराद पूरी होती है. इधर लक्ष्मी जी, हनुमान जी, विष्णु जी की भी प्रतिमाएं रखी हुई हैं, इन्हें भी पूजा जाता है. इसे शीतला माता मंदिर भी कहा जाता है. ये पंजाब के हिंदुओं का सबसे भव्य मंदिर माना जाता है. मंदिर में दशहरा, रामनवमी और दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है. स्वर्ण मंदिर की तरह बेहद खूबसूरत है दुर्गियाना मंदिर. दुर्गियाना मंदिर निर्माण 20वीं शताब्दी में हर्षाई माला कपूर द्वारा स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर करवाया गया था. कभी अमृतसर आए तो जरूर आना दुर्गियाना टेम्पल, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है. आगे फोटोग्राफी अलाउ नहीं तो मैं बाहर से दिखा दूँगा. दुर्गियाना टेम्पल का दर्शन अभी हमारा पूरा हो चुका है.
अभी हम यहाँ से जा रहे हैं किला गोविंदगढ़ फोर्ट की ओर। तो बता दूँ, बस दुर्गियाना टेम्पल को पहुँचती है 10 बजे और यहाँ से जाती है बस 11 बजे। अभी टाइम हो गया है 11 बजे में 10 मिनट बाकी है, हम निकल पड़े हैं बस की ओर। हमारा दूसरा स्पॉट है किला गोविंदगढ़ फोर्ट, जो हमें ये बस अभी ले जाएगी। तो चलिए अभी हम जाते हैं किला गोविंदगढ़ फोर्ट की ओर। अभी हम पहुंच चुके हैं किला गोविंदगढ़ फोर्ट की ओर। होहो बस का दूसरा स्टॉप है ये। इसका एंट्री टिकट 35 रुपीस, जो अंदर आप विजिट करते हैं, और इसका एक कॉम्बो पैक भी आता है 180 रुपये, जिसमें एक 70 हाईटेक शो होता है, जो महाराजा रंजीत सिंह के जीवन पे एक स्टोरी है जो उसमें प्ले होती है। और 3 म्यूजियम है, वारफेयर म्यूजियम, तोसाका और पगड़ी म्यूजियम, जिस पे उसी टिकट पे आप विजिट कर सकते हैं। 35 वाले टिकट में सिर्फ एंट्री है। ऐतिहासिक किले का निर्माण भगी मिसल के मुखिया गुज्जर सिंह ने 1760 में करवाया था। 1805 में महाराजा रंजीत सिंह ने किले पर कब्जा कर लिया। उनका कोहिनूर हीरा भी किले का शोभा बढ़ाता था। 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सम्मान में महाराजा रंजीत सिंह ने इसका नाम गोविंदगढ़ किला रखा। पंजाब में ब्रिटिश एम्पायर एंटर हो गया। पूरे इंडिया पे जो राज किया ब्रिटिश वालों ने 200 साल राज किया, लेकिन जो पंजाब पर राज किया वो ब्रिटिश वालों ने सिर्फ 16 साल ही राज किया। तो खालसा पंथ का राज था, महाराजा रणजीत सिंह जी का राज था। उनकी डेथ के बाद ब्रिटिश एम्पायर पंजाब में दाखिल हुए थे, और सबसे छोटे बेटे थे महाराजा दिलीप सिंह और कोहिनूर हीरा को, दोनों को ब्रिटिश एम्पायर लंदन लेकर चला। महाराजा दिलीप सिंह जी की वहीं डेथ हो गई और कोहिनूर हीरा वहीं रहते। आ जाते हैं जनरल डायर के बंगले में म्यूजियम का निर्माण किया गया है। अंग्रेज की सेना भी इसी किले में रहती थी। टायर ने इसी किले से जलियांवाला बाग जाकर खूनी खेल खेला था। किले के अंदर पहुंचते ही पंजाबी कल्चर की एक्टिविटी भांगड़ा जैसी नज़र आएगी। तो चलिए देखते हैं भांगड़ा यहाँ का, किले के अंदर का। वीडियो आपको कैसा लग रहा है बताना ज़रूर, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट पे पूछना। किला गोविंदगढ़ में भी बस रुकती है 1 घंटा। अभी हम हमारे तीसरे स्पॉट के लिए निकलेंगे, जो है वार हीरो मेमोरियल। अमृतसर सेटनिंग टूर बाय होहो बस, वीडियो का ये पार्ट 1 था। मैं बहुत जल्द पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लाऊंगा, जो आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। अमृतसर टूर बाय होहो बस पार्ट 2 बहुत जल्द मैं लाने वाला हूँ। चैनल पर जुड़े रहिए, मैं बहुत ही जल्द इस वीडियो को अपलोड करूँगा। पार्ट 2 में आप देखेंगे कि वार हीरो मेमोरियल के अंदर एक 70 शो होता है, जो उसी का पूरा वीडियो मैं डालूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।